हेलो चिल्ड्रन, आज हम देखेंगे कि गूगल मीट को कैसे डाउनलोड करना है और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो गूगल मीट है ये मैंने अपना फ़ोन खोला है और मैं आपको पहले इसका आइकन दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर का जो सेकंड वाला बना हुआ है ये इसका आइकन है। ये देखो मीट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम गूगल मीट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, फिर हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें एंटर कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गूगल मीट को डाउनलोड कैसे करना है। उसके लिए हम सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर ये बना हुआ है, ये देखिए ये वाला प्ले स्टोर है, यहाँ जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास एक, ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे जहाँ गूगल प्ले लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे टाइप करना है, लिखना है गूगल मीट। मैं लिखने जा रही हूँ GOOGLE और ये मीट MEET। ये देखो ये आ गया ग्रीन कलर का सेकंड लाइन में, जब दिख रहा होगा आपको, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ड्रॉ करके। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये गूगल मीट है। अगर आप इसको टच करेंगे तो भी वो खुल जाएगा, तो मैं अभी उसी को टच करूँगी, सेकेंड वाला जो है ये मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये घूमने लग गया। और ये बोल रहा है इंस्टॉल, जहाँ पे ग्रीन से लिखा INSTALL, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इंस्टॉल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब मैं वहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये देखो मैंने डबल क्लिक कर लिया और वो आइकन के आसपास ग्रीन लाइन जो घूमने लग गई है। अब ये थोड़ी देर में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और वो डाउनलोड हो जाएगा तो वो बताएगा कि डाउनलोड हो गया है। वो भी घूम रहा है, मीन्स वो डाउनलोड कर रहा है। ये देखिए ये अब आ रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये ग्रीन जहाँ पे लिखा हो OPEN, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे ग्रीन में बटन में OPEN लिखा, आपने अब उसको दबाना है तो ये खुल जाएगा। ये देखो ये ओपन है, इसको आपने दबाना है, डबल क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा। मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह से आया, तो ये आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि अलाउ गूगल मीट टू टेक पिक्चर्स, एंड जो जो कुछ भी आता है आपने उसको अलाउ अलाउ दबाना है। ये दो हो गया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। तो आपने अपना कोई ईमेल एड्रेस है जो जीमेल पे है, गूगल पे कोई जीमेल पे आपने ईमेल बनाया तो उसको क्लिक कर देना। अब हम देखेंगे कि जो आपको लिंक भेजा हुआ है आपकी टीचर ने व्हाट्सएप पे, उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, जहाँ पर भी आपका व्हाट्सएप है, मैं खोल रही हूँ वो जो भी आपकी क्लास का व्हाट्सएप है। दोबारा से खोल रही हूँ, 5C का व्हाट्सएप है, ये मैंने व्हाट्सएप खोला। और जहाँ पर भी आपका लिंक दिया हुआ है वहाँ चले जाइए आप।
ये देखो, ये गूगल मीट का वो दिया हुआ है आपको, मैं दिखा देती हूँ आपको फिर से ड्रॉ करके। ये आपको गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं भी आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। आपने इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये डायरेक्टली आपको गूगल मीट में ये आ गया आपके पास। अब आपने जहाँ पे भी ये आइकन बना गूगल मीट का उसको टच करना है, दोबारा से टच करना है इसको। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है ज्वाइन मीटिंग, जो ग्रीन में है। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे लिखा है ज्वाइन मीटिंग। ये देखो, ये ज्वाइन मीटिंग लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये मीटिंग में एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे सच्चू मैम केवीएस आया है वहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बता देती हूँ, जब आप क्लास लगाएंगे तो आपको क्या क्या करना है। जैसे अब यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन बना है वहाँ पे आपकी फ़ोटो आनी शुरू हो जाएगी, या जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पे आपका आना शुरू हो जाएगा। जब आप ब्लैक को, ये जो ऊपर ब्लैक है इसको क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, आपको पता लग जाएगा। ये जो ब्लैक पोर्शन है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर वहाँ पे आ जाएगा, आपका बैकग्राउंड सारा वहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये तीन बटन है, ये तीन बटन किस काम के हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, पहला बटन है माइक का, अगर आप इसको टच करेंगे जैसे मैं अभी टच कर रही हूँ तो ये रेड बन गया है, अब आपकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। ऐसे ही अगर आपने ये जो कैमरा तीसरा वाला बटन है, कैमरा वाले बटन को दबाया तो ये भी लाल का हो जाएगा, मतलब आपकी फ़ोटो किसी को नज़र नहीं आएगी। और आपने अगर बीच वाला दबा दिया तो आप मीटिंग में से आउट हो जाएंगे। पहला वाला आपकी आवाज़ बंद कर देगा पर आप अपने टीचर की आवाज़ सुन पाएंगे, दूसरे से आप मीटिंग छोड़ देंगे, बाहर निकल जाएंगे, और तीसरे से आपकी फ़ोटो किसी को नज़र नहीं आएगी। और अगर आपने कुछ अपने टीचर को लिख के बताना है तो ये आइकन आपने प्रेस करना है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला आइकन प्रेस करना है। अब मैं इसमें से एक दिखा देती हूँ क्या होता है जब आप इसको प्रेस करते हैं। मान लीजिए आपने आपकी अटेंडेंस हो रही है इस पर और आपने यस मैम लिखना है, तो आप इसको दबाएंगे जैसे मैंने अभी दिखाया, और नीचे लिखा है सेंड अ मैसेज टू एवरीवन हियर, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो आप अपना नाम लिखिए, जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ SECHU, उसके बाद मैं लिखूँ सचू इज प्रेजेंट, और जहाँ पे ये एरो बना है, ये देखिए जहाँ पे ये एरो बना हुआ है उसको आपने क्लिक कर देना तो ये मैसेज चला जाएगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हमारा जो भी आपने लिखना है वो सब चला जाएगा। मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, अब ये देखिए आपको भी दिख रहा है सचू इज प्रेजेंट। तो जो कोई भी बच्चे कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे वो आपको भी नज़र आएगा, या आपकी टीचर कुछ लिख रही है तो वो भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा पता लग गया है कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब ब्लैक स्क्रीन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको तीन बटन नज़र आ रहे हैं राइट हैंड कॉर्नर पे, जब आप उसको दबाएंगे तो आपको एक बड़ी सी लिस्ट मिलती है, स्विच कैमरा, टर्न ऑन कैप्शंस, प्रेजेंट स्क्रीन, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अब्यूज, हेल्प एंड कैंसल। तो इसमें से आपको सिर्फ दो चीज़ें काम आएंगी, पहले स्विच कैमरा, जैसे आपकी फ़ोटो आ रही है और आपने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है टेबल पे, उसको दिखाना है तो आप स्विच कैमरा यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट स्क्रीन में ये एडवांस्ड ऑप्शन है, ये बड़े बच्चों के काम आता है। प्रेजेंट स्क्रीन में हम कुछ अपने लैपटॉप से या मोबाइल से कुछ दिखाते हैं,
और टर्न ऑन कैप्शंस का मतलब है जो भी टीचर बोल रहा है या बच्चे बोल रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं अभी टर्न ऑन कैप्शंस कर रही हूँ और जो भी मैं बोल रही हूँगी वो यहाँ पे ऊपर दिखाई देता जाएगा जो टीचर बोल रहा है। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और अगर आपने, जैसे टीचर आपको बोलता है कि आपने माइक म्यूट करना है, तो आप अपने जो बड़ा वाला पेज है उसको क्लिक करेंगे या जहाँ पर भी आपकी फोटो आ रही है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और माइक जो अभी लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ रेड कलर का, वो म्यूट है। म्यूट मतलब बंद है। अगर आपको टीचर बोलेगी, कोई सवाल पूछेगी, आपने आंसर देना है, तो इस माइक को जो बंद है उसको एक बार और दबाना। जैसे मैं अभी करने जा रही हूँ, ये मैंने कर दिया है, तो ये माइक चल रहा है, तो आपकी आवाज़ सबको सुनाई गई। ऐसे ही आपकी अगर पिक्चर आपने नहीं दिखानी किसी को, तो आपने इसको, ये जो कैमरा है इसको आपने बंद करके रखना। अगर आप चाहते हैं कि सभी मुझे देखें, तो आप इस कैमरा को दोबारा से क्लिक करेंगे, तो अब आप सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को दिखाई देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे आप इसके ऊपर मास्टरी पाएंगे और आपको नई नई चीज़ें भी इसके अंदर दिखेंगी और ज़्यादा फीचर्स भी हम सीख सकते हैं। थैंक यू।